हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य अभिषेक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग भेषज कल्पना के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग औषध की सवीर्यता अवधि के बारे में जानेंगे, औषध सेवन काल कितने होते हैं ये जानेंगे, और औषध की विभिन्न मात्राएं कितनी होती हैं ये भी हम लोग जानेंगे, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास बड़े ध्यान से देखिए, नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, है ना, और हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। आप लोग कौन सी जगह से, कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं ये भी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं आज पढ़ने के लिए। सबसे पहले आता है सवीर्यता अवधि। सवीर्यता अवधि क्या होती है? एक मेडिसिन जब हम लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो वो कितने दिनों तक पोटेंट रहता है? हर मेडिसिन के ऊपर आपने देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जो भी एलोपैथ के स्ट्रिप्स आपने देखी होगी, या फिर जो डब्बी वाली मेडिसिन होती हैं हमारी आयुर्वेद में भी, तो डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि ये 2 साल में एक्सपायर हो जाएगा, 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा, हर मेडिसिन के ऊपर उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो ये जितने भी 2 साल का जो टाइम रहता है या 3 साल का टाइम रहता है, इसको हम लोग सवीर्यता अवधि बोल सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये इतने टाइम तक ही इफेक्टिव रहता है, इसके बाद इसका इफेक्ट कम होने लगता है या इसका इफेक्ट खराब हो जाता है, मेडिसिन खराब हो जाती है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो शारंगधर ने ये सवीर्यता अवधि बताई है, आचार्य शारंगधर ने। ये इसकी सेल्फ लाइफ भी आप लोग बोल सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या है। अगर रॉ ड्रग्स आप स्टोर कर रहे हैं, कोई रॉ ड्रग्स आपने कलेक्ट किया, कोई रूट आपने कलेक्ट किया, स्टेम बार्क वगैरह आपने कलेक्ट किया, और उसको आप लोग मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो उसको 1 साल के अंदर ही आप मेडिसिन बना लीजिए, ओके। तो इसकी सेल्फ लाइफ 1 साल बताई गई है, 1 ईयर की सेल्फ लाइफ होती है रॉ ड्रग्स की। रॉ ड्रग्स को आप मैक्सिमम 1 ईयर तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी आपको मेडिसिन बनानी हो तो फ्रेश कलेक्शन करना ही सबसे बेस्ट होता है। लेकिन जैसे कि किसी ऋतु में कोई ड्रग मिलता है, किसी सीजन में कोई और ड्रग मिलता है, तो हमेशा ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए साल भर के अंदर आप जो ड्रग्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप रख सकते हैं 1 साल के लिए, और उसी के अंदर आप उसको मेडिसिन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चूर्ण प्रिपरेशन। अगर आपने कोई चूर्ण बनाई हो, पाउडर बनाया हो, तो उसकी मैक्सिमम सेल्फ लाइफ 2 महीने की होती है। 2 महीने से ज्यादा आपको उसे नहीं रखना चाहिए, आपको उसे स्टोर नहीं करना चाहिए, 2 महीने के अंदर ही आपको उसे यूज कर लेना चाहिए। सो 2 महीने ही इसकी सेल्फ लाइफ होती है। नंबर 3 में है गुटिका या वट्टी प्रिपरेशन। अगर आप टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट की सेल्फ लाइफ 1 साल की होती है, 1 साल के बाद ये खराब होने लगती है, इसका फिर असर भी कम होने लगता है। सो 1 साल के अंदर ही आपको यूज कर लेना चाहिए। और जो लोग बिजनेस पर्पज से बनाते हैं या फिर बेचने के लिए बनाते हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि 1 साल के अंदर ही आप इसको बेच दीजिए या फिर खत्म कर दीजिए या फिर यूज कर लीजिए, ओके। इससे ज्यादा आप इसको स्टोर मत कीजिए, ये क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट चला जाता है, ये खराब हो जाता है। नेक्स्ट है अवलेह प्रिपरेशन। अवलेह हमने बताया था, च्यवनप्राश जैसे ये प्रिपरेशन होता है, तो इसकी सेल्फ लाइफ भी 1 साल की होती है, सवीर्यता अवधि 1 साल की होती है, 1 साल तक आप इसको रख के खा सकते हैं और आप इसको बेच भी सकते हैं। नेक्स्ट है घृत प्रिपरेशन। अगर आप घी बना रहे हैं, स्नेह कल्पना में आता है ये, हमने पिछले क्लास ये सारी कल्पनाएं हमने डिस्कस की है, तो ये आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और उसमें आपको सारी प्रिपरेशन कैसे कैसे बनाई जाती है वो सब बताया गया है। तो घृत प्रिपरेशन जो है हमारा, उसका सेल्फ लाइफ 4 मंथ्स एंड अबव, 4 महीने बताया गया है, और कहीं कहीं पे ये भी बताया गया है कि घृत और तेल जितना पुराना होता जाता है उतना अच्छा होता है, तो ये भी बताया गया है, इसलिए 4 महीने से ज्यादा ही इसका सेल्फ लाइफ रहता है। तेल प्रिपरेशन देखिए, तेल प्रिपरेशन भी 4 महीने दिया गया है, 4 महीने एंड अबव भी बताया गया है। देन लघु पाक औषधि, जो औषधियां लघु पाक से बनाई जाती हैं वो 1 साल तक रहती हैं, सेल्फ लाइफ उसकी 1 साल की होती है।
उसके बाद आता है आसव प्रिपरेशन। आसव अरिष्ट हमने पढ़ा था, तो आसव प्रिपरेशन जो होता है वो जितना पुराना होता जाता है उतना उसका असर बढ़ता जाता है, उतना उसकी पोटेंसी बढ़ती जाती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत, बीमारियों को खत्म करने की ताकत भी उसकी बढ़ती जाती है। तो आसव जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है, ये एक्सपायर नहीं होता है। देन देखिए नंबर 9 में है धातु प्रिपरेशंस। तो धातु भस्म अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे लोह भस्म, अभ्र भस्म, इन सब की भी हमारी मेडिसिन बनाई जाती है ना, तो ये जो है ये भी उसी तरह का है, जितना पुराना होता जाता है उतना उसका पोटेंसी बढ़ता जाता है। रस प्रिपरेशंस क्या होते हैं, जिसमें मर्क्यूरी यूज किया जाता है, पारद का यूज किया जाता है, पारद उसमें डाला जाता है मेडिसिन में, तो ये भी जितना पुराना होता जाता है उतना ही उसका पोटेंसी बढ़ता जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आसव धातु और रस के जो प्रिपरेशंस होती हैं वो जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती हैं। तो आप डेट देखिए, उसमें सबसे पुराना वाला मेडिसिन उसको मांगिए। जब आप जा रहे हैं दुकान पे तो उसको बोलिए कि अगर आपको कोई आसव खरीदना है, अरिष्ट खरीदना है, तो आप उसको बोलिए कि सबसे पुरानी वाली बोतल हमें दो, क्योंकि उसका असर सबसे अच्छा रहता है। ओके, सो ये आप लोग याद रखिएगा, सवीरता अवधि सारंगधर द्वारा ये बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास आज जानने के लिए। सो औषध सेवन काल, औषध जो हम लेते हैं आयुर्वेद में, इसकी सेवन काल बताई गई है, आप किस टाइम पे ये मेडिसिन ले सकते हैं। सो सारंगधर ने 5 सेवन काल बताए हैं, 5 ये नंबर भी आता है एग्जाम में कि सारंगधर ने कितने औषध सेवन काल बताए हैं, तो 5 इसका सही आंसर होगा। क्या क्या है इसमें देखिए, सूर्योदय, तो सनराइज जब होता है आप सुबह उठते हैं, सूर्योदय के वक्त आप औषध ले सकते हैं। दिवा भोजन यानी दिन में भोजन करने के बाद आप ले सकते हैं। सायं भोजन, शाम को भोजन करके भी मेडिसिन लिया जा सकता है। निशा, रात में मेडिसिन लिया जाता है। और मुहुर्मुह कुछ दवाइयां होती है बीच बीच में आपको मुंह में डालनी होती है, तो उसको मुहुर्मुह बोला जाता है। ठीक है, तो ये 5 काल बताए हैं सारंगधर ने। सुश्रुत ने बताए हैं 10 काल, 10 औषध सेवन काल होते हैं सुश्रुत ने बताए हैं। इसके बाद है चरक, चरक जी ने भी 10 औषध सेवन काल माने हैं और हमारे अष्टांग संग्रहकार ने भी 10 माने हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी ऐड कर देंगे, अष्टांग संग्रह में भी 10 औषध सेवन काल बताए गए हैं। ओके, इसके बाद आता है वाग्भट द्वारा 11 बताए गए हैं, ये अष्टांग हृदयकार जी हैं, अष्टांग हृदय में 11 औषध सेवन काल बताई गई हैं। तो अष्टांग हृदय हम यहाँ पे लिख देंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अष्टांग संग्रह में 10 बताए गए हैं और अष्टांग हृदय में 11 बताई गई हैं। तो यहाँ पे नंबर आप लोग ऐसे याद रखिए, सारंगधर ने 5 बताया है, चरक, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह में 10 बताई गई है और अष्टांग हृदय में 11 औषध सेवन काल बताई गई है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या है ये 11 औषध सेवन काल, जिसमें सबसे पहले आता है अभक्त। अभक्त यानी खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक में हम मेडिसिन देते हैं। तो स्ट्रेंदी पर्सन यानी बलवान रोगी अगर होता है, बलवान रोगी होता है, तो उसको आप खाली पेट मेडिसिन दे सकते हो। उसके बाद है प्रागभक्त। प्रागभक्त मीन्स खाना खाने से तुरंत पहले। ओके, खाना आप खाने जा रहे हैं उससे तुरंत पहले आपको मेडिसिन लेना है। किस केस में लेना है, अगर अपान वैगुण्य हो, अपान वायु की विगुणता हो, अपान वायु से रिलेटेड कोई डिजीज हो, तो वहां पे आप प्रागभक्त मेडिसिन दीजिए। और वीक पर्सन हो यानी रोगी का बल कम हो, तो वहां पे आप प्रागभक्त मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद है मध्यभक्त। मध्यभक्त यानी खाना खाने के बीच में आपको मेडिसिन लेना है, तो वहां पे अगर समान वायु में वैगुण्य हो, समान वायु आपकी आमाशय में होती है, तो समान वायु में अगर वैगुण्य हो, कोई कोष्ठ विकार हो या पित्त विकार हो, तो वहां पे खाना खाने के बीच में आपको मेडिसिन देना होता है। उसके बाद आता है प्रातः पश्चात भक्त। प्रातः पश्चात भक्त यानी सुबह उठ के उसके बाद आप मेडिसिन दे रहे हैं उसको, सुबह उठने के बाद प्रातः पश्चात भक्त। तो ये होता है व्यान वैषम्य में, व्यान वायु की कोई विषमता हो, कुछ उसमें डिसऑर्डर हो व्यान वायु की, तो वहां पे आपको प्रातः पश्चात भक्त देना चाहिए मेडिसिन। नेक्स्ट आता है साय पश्चात भक्त। साय मतलब शाम को आपको मेडिसिन देनी है खाना खाने के बाद, तो उदान वायु की अगर विगुणता हो, वहां पे आप
संध्या को इवनिंग को मेडिसिन दे सकते हैं उसको खाना खाने के बाद। नेक्स्ट आता है मुहुर्मुह। मुहुर्मुह बताया गया है श्वास और छर्दी के लिए। तो रेस्पिरेटरी डिजीज अगर हो, श्वास हो उसको, या फिर उसको वॉमिटिंग हो रही हो, तो वहां पे मुहुर्मुह, मुहुर्मुह मतलब बार बार आपको दिन में कम से कम 6-7 बार मेडिसिन वो लेता है, कम डोज में दिया जाता है, बार बार मुंह में रखने के लिए होता है। मुंह में ये रख के आपको मतलब वो अपने धीरे धीरे करके घुलेगा, इस तरह की ये मेडिसिन होती है। तो मुहुर्मुह एक आपका औषध सेवन काल है। उसके बाद आता है सभक्त। सभक्त मीन्स खाना खाने के साथ आपको लेना है ये अरुचि। अगर किसी को अरुचि हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहां पे आपको खाना खाने के साथ आपको मेडिसिन लेनी होती है। नॉर्मली उसमें सौंठ दिया जाता है, अदरक दिया जाता है, सेंधा नमक मिला के दिया जाता है, इस तरह का बताया गया है। सो वहां पे अरुचि में आपको सभक्त मेडिसिन लेनी होती है। उसके बाद आता है सग्रास। आता है सग्रास किस पे दिया जाता है, प्राण वायु का अगर वैगुण्य हो तो आपको सग्रास, सग्रास मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने में मिला के आपको निवाले के साथ ही औषध को भी चबा के खाना होता है। ये आपके मुंह से ही ये मेडिसिन चबाते वक्त एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इमिडिएटली ये काम करता है। बहुत ही मतलब अच्छा मेथड है ये प्राणवायु विगुणता में। उसके बाद है ग्रासांतर। ग्रासांतर मतलब दो निवाले के बीच में आपको मेडिसिन लेनी है। एक निवाला आपने लिया खाने का, उसके बाद आपने मेडिसिन ली, उसके बाद दूसरा निवाला खाया, तो इसको ग्रासांतर बोला जाता है। ये भी प्राणवायु विगुणता में दिया जाता है। और हृदय विकार, अगर कोई हार्ट डिजीज हो पेशेंट को तो उसमें भी ये दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सामुद्ग काल। सामुद्ग काल क्या होता है, इसमें आपको खाने से पहले और खाने के बाद भी मेडिसिन लेना होता है, दोनों टाइम पे आपको मेडिसिन लेना होता है, ठीक है। तो ये हिक्का कंप और आक्षेप में दिया जाता है, ऐसे इस टाइप से औषध खिलाया जाता है। खाना खाने से पहले भी दिया जाता है, खाना खाने के बाद भी दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरी बॉडी पे इसका इफेक्ट रहता है, नीचे की बॉडी पे भी इफेक्ट रहता है मेडिसिन का, और ऊपर की बॉडी पे भी इफेक्ट रहता है। तो ऊर्ध्वगति जो दोषों की हुई होती है या अधोगति दोषों की हुई होती है, तो वहां पे ये कंट्रोल करता है मेडिसिन। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है नैश्य या निशी, जिसको बोला जाता है रात में। रात में आप मेडिसिन कब खिला सकते हो, इसमें खिला सकते हो ऊर्ध्व जत्रोगत विकार अगर हो तो वहां पे रात में मेडिसिन दिया जाता है। तो खाना खा के ठीक सोने से पहले उसको ये दवाई दी जाती है निशी में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग औषध सेवन काल याद कर सकते हैं। 11 काल ये बताए गए हैं अष्टांग हृदयकार द्वारा, और 5 सांगधर ने बताए हैं, सुश्रुत और चरक ने 10 बताए हैं, वो भी इन्हीं में से ही 10 हैं। वो 10 औषध सेवन काल मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। अभक्त, प्राग्भक्त, अधोभक्त, मध्यभक्त, अंतराभक्त, सभक्त, सामुद्ग, मुहुर्मुह, ग्रास भक्त और ग्रासांतर भक्त, ठीक है। तो ये 10 बताए गए हैं चरक और सुश्रुत द्वारा, ये आप लोग याद रखिएगा। मेन आपको ये पूछा जाता है औषध सेवन काल बागभट्ट ने कितने बताए हैं, क्योंकि ये मेन है, 11 प्रकार के इन्होंने बताए हैं, है ना। और शारंगधर ने कितने बताए हैं, ये 5 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। सो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है। सो आगे है हमारे पास प्रिपरेशन एंड द जनरल डोज एज पर शारंगधर। तो जो प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ी पिछले 2 क्लासेस में, उसकी डोज भी हम लोगों ने पढ़ी थी, वही डोज हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बना लिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस टेबल में से। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला है स्वरस। स्वरस की मात्रा होती है 1 पल, और पुटपाक स्वरस की मात्रा होती है 2 पल। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी। सो आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा, इसमें से बहुत बार बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, स्वरस की मात्रा कितनी होती है, पुटपाक स्वरस की मात्रा कितनी होती है। ओके, सो स्वरस 1 पल मात्रा में दी जाती है, पुटपाक स्वरस 2 पल मात्रा में दी जाती है। इसके बाद है कल्क। कल्क की मात्रा होती है 1 कर्ष। चूर्ण की मात्रा भी 1 कर्ष ही होती है। क्वाथ अगर आपको देना है तो 2 पल मात्रा में देना है। फांट, हीम, प्रमथ्या और यूश, इन सब की मात्रा आपकी 2 पल है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लाइन में याद रखिएगा, क्वाथ, फांट, शीत, प्रमथ्या और यूश, इन 5 का आपका डोज कितना है, 2 पल है। फुटपाक स्वरस भी 2 पल है। ओके,
और इसके बाद आता है अवलेह। अवलेह की मात्रा है एक परी। वट्टी और गुटिका अगर है आपके पास टैबलेट है तो उसकी मात्रा एक कर्ष है। तो यहाँ पे हमारे पास कल्क हो गया, चूर्ण हो गया और वट्टी हो गया जिसकी मात्रा एक कर्ष है। ओके, देन तेल प्रिपरेशन है, घृत प्रिपरेशन है, आसव या अरिष्ट है तो इसकी मात्रा भी एक पल ही बताई गई है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ग्रुप में याद रख सकते हैं। एक पल मात्रा किस किस की है? एक पल में आ जाएगा आपका स्वरस, उसके बाद आ जाएगा अवलेह, देन तैल, घृत, आसव और अरिष्ट। देन उसके बाद आएगा दो पल। दो पल मात्रा किसकी है? पुटपाक स्वरस, क्वाथ, फांट, हीम, प्रमथ्या और यूष। ठीक, उसके बाद है एक कर्ष बताया गया है। एक कर्ष किसकी मात्रा आएगी? कल्क, चूर्ण और वट्टी अगर है तो उसकी मात्रा होगी एक कर्ष। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ी थी स्वरस में कि अगर आर्द्र द्रव्य है तो आधा पल देना होता है और अगर शुष्क द्रव्य है तो एक पल लेना होता है मात्रा में, है ना। तो ये भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे कि स्वरस की दो मात्राएं होती है। आर्द्र द्रव्य अगर आपने लिया है तो उसकी आधा पल मात्रा आपको देनी होती है डोज, और शुष्क द्रव्य की एक पल मात्रा में देनी होती है। अब ये पल और कर्ष ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो, क्योंकि आपको अभी के टर्म्स में चाहिए कितने ग्राम मिलीग्राम इसमें आप मेजरमेंट करते हैं। पल और तुला, कर्ष, ये सब आजकल नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक पल आपका होता है 48 ग्राम्स। ओके, सो एक पल, वन पल इक्वल्स टू 48 ग्राम्स। तो इसके हिसाब से आधा पल कितना होगा? 24 ग्राम्स, और दो पल कितना होगा? 96 ग्राम्स। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं मेजर, और आप पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको 96 ग्राम्स लेना है। दो पल, ये जितने दो पल लिखे हैं ये सारे 96 ग्राम्स आएंगे, और एक पल वाले सारे 48 ग्राम्स आएंगे, आधे पल वाले कितने आएंगे? 24 ग्राम। ओके, अब एक और यहाँ पे टर्म है कर्ष। तो कर्ष की मात्रा कितनी होती है? एक कर्ष होता है आपका 12 ग्राम, तो 12 ग्राम। कल्क की मात्रा आपकी हो गई 12 ग्राम, चूर्ण भी हो जाएगा 12 ग्राम, और ये आपकी वट्टी और गुटिका है ये भी हो जाएगी 12 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नीचे देखिए, तेल, घृत, आसव, अरिष्ट, ये सब एक पल मात्रा में है, तो एक पल हमारा है 48 ग्राम्स। तो ये इसकी डोज होगी, ये आपको पेशेंट को बताना है कि इतने ग्राम डोज में आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद है कल्पना और उसके सिनोनिम्स क्या क्या बताए गए हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका भी एक टेबल आपके लिए बनाया गया है यहाँ पे। सो कषाय कल्पना अगर है, कषाय कल्पना को श्रित, क्वाथ, निरूह्य भी कहा जाता है। फांट कल्पना को चूर्ण, द्रव कहा जाता है, ये इसके सिनोनिम है। हिम कल्पना को शीत कल्प कषाय भी कहा जाता है। कल्क कल्पना को प्रक्षेप और आवाप भी कहा जाता है। चूर्ण कल्पना जो है हमारी, उसको रज और शोध भी कहा जाता है। वट्टी कल्पना को गुटिका, वट्टी, मोदक, पिंडी, गुड़म और वर्ती भी कहा जाता है। अवलेह कल्पना को रसक्रिया कहा जाता है और लेह कहा जाता है। और अन्न यवागु अगर है तो उसको हम लोग कृशरा भी कहते हैं और घन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें से सिनोनिम्स पूछा जाता है। निरूह्य किसका पर्याय है? आंसर होगा कषाय कल्पना या क्वाथ, जो आपके क्वेश्चन में आया होगा ऐसे भी आया होगा, क्वाथ का पर्याय क्या है? सो क्वाथ को कषाय भी बोला जाता है। चूर्ण द्रव किसका पर्याय है? चूर्ण द्रव फांट का पर्याय है। रज और क्षोध किसका पर्याय है? ये चूर्ण का पर्याय है। इस तरह से आपको ये नाम और टर्म्स याद रखने हैं, सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट कल्पना और उनकी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे टेबल बना दिया गया है, टेबल में आप लोग याद रख सकते हैं इसको आसानी से। तो सबसे पहले आता है क्वाथ या कषाय कल्पना, इसमें हमें द्रव्य एक पल लेना होता है और जल लेना होता है 16 × 16 पल, और इसको कितना रखना है? 1/8 पार्ट रिमेनिंग रहने तक आपको पकाना है ना, हीट करना है, गर्म करना है, उबालना है इसको। और जब 1/8 शेष रह जाए, यानी दो पल रह जाए, 1/8 कितना होगा? 16 का 1/8 होगा दो पल। तो दो पल अवशेष रहने तक आपको इसको बनाना है,
और क्वाथ कितने मात्रा में आपको देनी है पेशेंट को, 2 पल मात्रा में ही देनी है, इसलिए आप जो 2 पल बन गया उसको आप पेशेंट को पिला दीजिए पूरा, वो पूरा उसका डोज 2 पल ही होता है। उसके बाद सेकेंड में आता है प्रमथ्या। प्रमथ्या में द्रव्य का कल्क लेना है आपको, 1 पल जल डालना है 8 पल, और ये रिमेनिंग कितना रहेगा, 2 पल तक इसको पकाना है। 2 पल जब बच जाएगा तब आप इसको निकाल लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे डिस्कस किया था ये ग्राम्स में कितना होता है, सो 2 पल आपका जो है वो कितना हो जाएगा, 96 ग्राम्स हो जाएंगे। ओके, 96 ग्राम्स ये इसकी डोज होगी, इतना रिमेनिंग रहने तक आपको उसको पकाना है और इतने ही मात्रा में आपको पेशेंट को भी पिलाना है। इसके बाद है देखिए यवागु नंबर 3 में आता है, द्रव्य आपको 4 पल लेना है, तो 1 पल आपका कितना है, 1 पल है आपका 48 ग्राम्स, तो द्रव्य आप कितनी मात्रा में लेंगे, 48 into 4 आपका आ जाएगा अराउंड 192 ग्राम्स आता है, तो 192 ग्राम तक आप द्रव्य लीजिए और उसके 64 पल आपको जल उसमें डालना है। ठीक है, 64 पल मीन 64 into 48 जितना होगा ये आप हिसाब कर लीजिएगा, और उतना जल आपको मिलाना है और उसके बाद उसको पकाना है, और कितना रिमेनिंग तक पकाना है, 16 पल बचने तक आपको पकाना है, तब जाके आपकी यवागु बनेगी। उसके बाद आता है यूष। यूष में आपको क्या लेना है, कल्क द्रव्य लेना है 1 पल, 1 पल मीन्स 48 ग्राम्स आपको लेने हैं, और उसमें क्या मिलाना है, शुंठी अगर आप मिला रहे हैं शुंठी पिपली, तो आपको आधा कर्ष मिलाना है। आधा कर्ष मीन्स 1 कर्ष होता है आपका 12 ग्राम, तो आधा कर्ष हो जाएगा 6 ग्राम। 6 ग्राम आप इसमें शुंठी और पिपली मिला सकते हैं, और जल आपको डालना है 1 प्रस्थ, 1 प्रस्थ जल डाल के आपको इसको पकाना है। 1 प्रस्थ हमारी आती है अराउंड 768 ग्राम्स। ओके, तो इसका हिसाब आप लोग मान परिभाषा जब पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि ये ग्राम्स में कितना आता है, ये कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला मैं आपको मान परिभाषा में बताऊंगी। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि 1 प्रस्थ अराउंड 768 ग्राम्स होता है, तो उतना जल आपको लेना है और फिर उसको पका के आपको यूश बनाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पान कल्पना। पान कल्पना में द्रव्य 1 पल लिया जाता है और जल 64 पल लिया जाता है, और 32 पल रिमेनिंग रहने तक उसको पकाना है आपको, आधा बचने तक उसको पकाना है। तो ये सब इंटू 48 करके आप इसको हिसाब कर सकते हैं कि 1 पल 48 ग्राम से, तो 64 पल आपका 64 into 48 आएगा। ठीक है, तो उतना आपको जल लेके उसको आधा बचने तक पका के पान कल्पना आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है उष्णोदक। उष्णोदक के लिए क्या है कि आप 3 तरह से इसको बना सकते हैं। उष्णोदक मीन्स गर्म पानी, तो गर्म पानी जो है आप पानी लीजिए, 3 प्रोसेस है इसके, तो 1/8 रिमेनिंग रहने तक आप इसको उबाल सकते हैं, ये एक तरह का उष्णोदक बनेगा, और सेकंड में 1/4 रहने तक आप उबाल सकते हैं, और थर्ड में आधा रहने तक आप उबाल सकते हैं। तो 3 तरह से ये उष्णोदक बनाया जा सकता है। उसके बाद है नंबर 7 में देखिए क्षीरपाक। क्षीरपाक भी हमने डिस्कस किया था, द्रव्य इसमें 1 भाग लिए तो क्षीर या दूध आपका 8 गुना लिया जाता है, जल आपका 32 गुना लिया जाता है। सो 1 पल अगर आपका द्रव्य है, 48 ग्राम्स का द्रव्य है, तो आप कितना लेंगे क्षीर दूध कितना लेंगे उसमें, 8 into 48। ओके, 8 into 48, और जल लेंगे 32 into 48। इस तरह से आप इसका हिसाब निकाल लीजिएगा कि कितना कितना ग्राम्स होता है, ठीक, और उसको पकाइए। पकाने के बाद आपको कितना शेष रहने तक पकाना है, क्षीर की मात्रा जितनी होती है, सो 8 पल अवशेष रहने तक आपको ये पकाना है। ठीक है, उसके बाद उसको आप छान के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 में अन्न यवागु। अन्न से अगर आप यवागु बना रहे हैं तो द्रव्य आपको 1 पल लेना है, जल लेना है 6 गुना, 6 पल आपको जल लेना पड़ेगा, और घनत्व होने तक यानी गाढ़ा होने तक आपको इसको पकाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ मात्रा नहीं होती है कि कितनी मात्रा तक पकाना है, ये बस गाढ़ा हो जाए, खाने लायक हो जाए। ये खाने वाली प्रिपरेशन है, देखिए अन्न यवागु विलेपी पेया यूष ये सब खाने वाली प्रिपरेशन है, आहार कल्प है ये, तो इसमें घनत्व आने तक मतलब खाने लायक बनने तक आपको इसको पकाना चाहिए, और बाकी ऊपर जो हमने देखे प्रिपरेशन वो सब औषध कल्पनाएं हैं, तो उसकी मात्रा बताइए, क्योंकि औषध की जो क्वालिटीज हैं
जो उसमें गुण है वो पानी में आने के लिए कितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी मात्रा निर्धारित की गई है। तो उतनी मात्रा तक आपको कम करके इसको पकाना होता है। अन्य यवागु में देखिए, ये हमने पढ़ लिया, द्रव्य एक भाग और जल 6 भाग आपको लेना है, घनत्व होने तक पकाना है। विलेपी में एक भाग द्रव्य और 4 गुना जल डाल के पकाना है। पेया में द्रव्य एक भाग और जल आपका रहेगा 14 भाग। यूष में भी द्रव्य एक भाग और जल रहेगा 14 भाग, ठीक है। और भक्त कल्पना जो होती है, भक्त मतलब जो चावल हम लोग बनाते हैं तंडुल से, तो तंडुल मतलब राइस से जो आप बनाते हैं उसको भक्त कल्पना बोलते हैं। तो उसमें 4 पल अगर आप राइस ले रहे हैं तो जल आपको 14 पल देना होता है, ठीक है। तो और इसके बाद आप इसको पकाइए तो जो आपका चावल तैयार हो जाएगा उसको भक्त कल्पना बोली जाती है। तो ये क्वांटिटीज कितनी होती हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा, किसमें किस प्रिपरेशंस में कितने भाग द्रव्य रहता है, कितने भाग जल रहता है, ये याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और कितने पार्ट अवशेष रहने तक आपको उसको पकाना है ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत। तो ये टेबल आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नंबर 13 आगे और भी दिया है। सिद्धमंड है, सिद्धमंड में तंडुल 1 पल लेना होता है, 1 पल आपका 48 ग्राम्स होता है। मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और जल आपको 14 गुना लेना है तो 48 × 14 आप कर लीजिएगा, जितना आ रहा है उतना जल आपको लेना होता है। देन फांट कल्पना में द्रव्य चूर्ण हम 1 पल लेते हैं और उष्ण जल लेते हैं 1 पुड़व। 1 पल आपका होता है 48 ग्राम्स और 1 पुड़व होता है 192 ग्राम्स, ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 1 पुड़व, ये मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगी मान परिभाषा में, तो उसमें आप लोग याद कर लीजिएगा कैसे कैसे ये कैसे हिसाब निकाला जाता है ग्राम्स का। तो अभी के लिए 1 पुड़व 192 ग्राम्स होता है, तो इतना ही आपको उष्ण जल लेके फांट बनाना है। फांट डायरेक्टली उष्ण जल में बनता है, इसको उबाला नहीं जाता है। तो उष्ण जल लेना है आपको, द्रव्य चूर्ण उसमें मिला के घोल के पी लेना है सीधा, ठीक है। तो ये फांट का प्रोसीजर है। हिम के लिए देखिए, हिम में द्रव्य 1 पल लिया जाता है, जल लिया जाता है 6 पल। तो 6 गुना जल आपको लेना है वहां पे और इसको भिगो के रखना है, तब जाके ये हिम कल्पना बनेगी। देन तेल पाक पे हमने पढ़ा था 1:4:16 इसका रेशियो होता है ना। तो द्रव्य कल्क 1 भाग अगर आप ले रहे हैं, तेल 4 भाग और द्रव यानी जल आपको 16 भाग लेना है। कहाँ तक पकाना है, तेल जितना बताया गया है। तो तेल बना रहे हैं हम, तो ये याद रखिएगा जितना तेल हम ले रहे हैं उतना बचने तक ही हमें इसको पकाना है। तो 4 भाग आपने तेल लिया है इसलिए 4 भाग बचने तक ही आपको इसको पकाना है। नेक्स्ट है घृत कल्पना, सेम ही है इसका, घृत कल्पना का भी 1:4:16 है, 1:4:16। तो तेल और घृत दोनों का सेम रहता है और इसको कितना पकाना होता है, जो तेल आपने लिया है या फिर जो घृत आपने लिया है उतना बचने तक आपको पकाना होता है। तो इसमें भी 4 भाग अवशिष्ट रहने तक आप इसको पकाओगे क्योंकि घी इसमें 4 पार्ट आपने लिया है। नेक्स्ट है नंबर 18 आसव और अरिष्ट। आसव और अरिष्ट में क्या है, द्रव 1 द्रोण लिया जाता है, 1 द्रोण बताया गया था श्लोक में, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, है ना। आप लोगों को वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है कैसे कैसे ये बनाया जाता है ये सारा प्रिपरेशन। देन गुड़ 1 तुला उसमें डालनी होती है, शौद्र यानी मधु आधा तुला मिलाई जाती है और प्रक्षेप द्रव्य 1/10 तुला मिलाई जाती है, ठीक है। सो ये कितना होता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नया टर्म आ गया, द्रोण, है ना। तो ये द्रोण कितना होता है, 12.288 kg यानी 12 kg और 288 ग्राम ये होता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको मान परिभाषा में बताऊंगी कैसे इसको हिसाब करना है आपको। और एक टर्म है यहाँ पे तुला, तो ये तुला कितनी होती है, 1 तुला होती है 4.8 kg, ठीक है। तो ये केजी आसवरिष्ट ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है इसलिए इसका हिसाब केजी में लिया जाता है। सो द्रोण तुला ये सारी बड़ी मात्राएं होती हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। देन देखिए इसके बाद शौद्र है आधा तुला, आधा तुला कितना होगा, 4.8 का आधा होगा, सो 2.4 kg होगा ये। और प्रक्षेप द्रव्य आपका आएगा 1/10 तुला यानी ये आ जाएगा करीबन 480 ग्राम, ठीक है, केजी में नहीं जाएगा, 0.48 kg आएगा, तो 480 ग्राम तक ये आएगा। तो ये हिसाब आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन जो मतलब आता है आपका वो द्रोण तुला इस तरह से ही पूछा जाता है,
और ये मॉडर्न टर्म्स ग्राम केजी ये सब नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, बट छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं, जैसे एक फल कितना ग्राम होता है, तो इस तरह से छोटी मात्राएं पूछ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो वो ये आप लोग याद रखिएगा ये ग्राम्स में भी। इसके आगे क्या है देखिए, इसके आगे दिया गया है अकॉर्डिंग टू शारंगर क्वांटिटी ऑफ आर्द्र द्रव्य शुड बी टेकन इन डबल टू शुष्क द्रव्य। अगर आप कोई मेडिसिन बनाने के लिए आर्द्र द्रव्य का इस्तेमाल करो, गीली चीजें इस्तेमाल करो जिसमें जलीय अंश ज्यादा होता है, तो आर्द्र द्रव्य हमेशा डबल क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक है। सूखे द्रव्य आप जितनी क्वांटिटी में लेंगे, सपोज एक किलो आप सूखा द्रव्य ले रहे हैं, अगर उसकी जगह पे आपको आर्द्र द्रव्य लेना है तो आप 2 किलो लीजिए, ठीक। बट कुछ द्रव्यों को छोड़ के, जैसे आपका गुरुचि है, कूटज, वासा, पुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, शतपुष्पा, प्रसारिणी, तो ये जो ड्रग्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 ड्रग्स के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, गुरुचि, कूटज, वासा, पुष्पांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, शतपुष्पा, प्रसारिणी, ये 9 ड्रग्स के नाम आप याद रखिएगा। इनका जिक्र जहाँ पे हुआ हो, जिस मेडिसिन में ये वाले ड्रग्स लेने हो, तो आपको उतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितना आप शुष्क द्रव्य लोगे। अगर आप इसकी आर्द्र द्रव्य भी ले रहे हैं तो भी उतने ही क्वांटिटी में लेना है, ठीक है, इसको डबल नहीं करना है। इनके अलावा जो ड्रग्स हैं, दूसरे ड्रग्स हैं, दूसरी मेडिसिन हैं, वो आपको डबल क्वांटिटी में लेना होता है। तो ये एक प्रिंसिपल बताया गया है आपका द्रव्य ग्रहण में, क्वांटिटी जब आप बना रहे हो कोई द्रव्य तो उसको कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो द्रव्य की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर गीली चीजें हैं, आर्द्र हैं, वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो आपको डबल क्वांटिटी में लेना है सिर्फ इन्हीं ड्रग्स को छोड़ के, ठीक। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, गुड़चि, कूटज, ये आपको कितनी मात्रा में लेनी है, तो जितनी मात्रा में बताई गई है शुष्क द्रव्य की उतनी ही मात्रा में आपको लेनी है, इसको डबल नहीं करना है, ओके। उसके बाद देखिए प्रक्षेप द्रव्य की क्वांटिटीज बताई गई हैं, तो प्रक्षेप द्रव्य आपका स्वरस का, हम लोगों ने वो भी पढ़ा था पिछली क्लास में, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिमपान, इन सबका प्रक्षेप द्रव्य भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे इसका टेबल बनाया गया है। स्वरस में अगर आपको मधु मिलाना हो तो 1 कोल मात्रा में मिलाया जाता है। अब यहाँ पे कोल मात्रा आ गई, ये कोल मात्रा कितनी होती है ये भी हमें जानना चाहिए। 1 कोल आपका होता है 6 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारी ही मात्राएं 1 कोल है, तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं, मधु, शीता, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल और चूर्ण। अगर ये आपको एज अ प्रक्षेप मिलाना हो स्वरस में, स्वरस आपने बनाया, स्वरस की मात्रा होती है 2 पल मात्रा, तो 2 पल में आपका कितना आ जाएगा, 96 ग्राम आ जाएंगे, है ना। 96 ग्राम का अगर आपका स्वरस बना है तो उसमें 6 ग्राम का आपको प्रक्षेप द्रव्य डालना है, जो भी प्रक्षेप द्रव्य आपको डालना हो उसमें, वो सिर्फ 6 ग्राम ही आपको मिलाना है, ओके। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वाथ का बताया गया है, अगर सीता आप ले रहे हैं वात रोग के लिए, चीनी आपको मिलानी हो वात रोग के लिए, 1/4 पार्ट आपको मिलाना है वहां पे, देन पित्त रोग के लिए 1/8 पार्ट मिलाना है, और कफ रोग के लिए 1/16 पार्ट मिलाना है। सो 2 पल क्वाथ की मात्रा कितनी होती है, 2 पल होती है ना क्वाथ की मात्रा, सो 2 पल आपका कितना आ जाएगा, 96 ग्राम आ जाएंगे, है ना। तो 96 ग्राम में आपको कितना मिलाना है, चीनी अगर आपको मिलानी हो 1/4 पार्ट आपको मिलाना है, इसके 96 ग्राम के 1/4 पार्ट आपको चीनी मिलानी है। तो यहाँ पे हम लोग हिसाब कर लेते हैं, 1/4 × 96 कितना आएगा, इक्वल्स टू 4 × 2 = 8 और 16, 4 × 4 = 16, सो 24 ग्राम आपको चीनी मिलानी है, ओके। देन अगर आपको पितरों के लिए बनाना है तो 1/8 पार्ट आपको मिलाना है, 1/8 कितना आएगा, 1/8 × 96, इसी तरह से आपको ये हिसाब करना पड़ेगा, 8 × 1 = 8 और 16, 8 × 2 = 16, सो ये आपका आ जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। 1/16 पार्ट हो तो 6 ग्राम आएगा आपका, अगर आप लोग हिसाब कर सकते हैं तो 6 ग्राम आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपको ये हिसाब करना है, जीरक, गुगुल, यवक्षार, सैंधव लवण, शिलाजत्तु, हिंगू और त्रिकटु, इसके साथ क्षीर, घृत, गुड़, तेल, मूत्र, कल्क और चून, ये सारी चीजें अगर आपको मिलानी हो तो 1 शाण मात्रा बताई गई है, इस तरह से ये लिखा जाता है हिंदी में, 1 शाण मात्रा
और ये एक क्षण मात्रा कितनी होती है, 3 ग्राम मात्रा होती है, ठीक है। सो 3 ग्राम आप मिला सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको मिलानी है या इनमें से कोई एक आपको मिलाना है, तो सिर्फ 3 ग्राम आप इसको मिलाइए क्वाथ, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है यूष प्रिपरेशन। यूष में अगर शुंठी कल्क मिलाना है तो आधा कर्ष मिलाना होता है, और पिपली कल्क भी अगर मिलाना है तो आधा कर्ष मिलाना होता है। आधा कर्ष कितना होता है, एक कर्ष हमारा 12 ग्राम होता है, ये हमने पढ़ा था, है ना, एक कर्ष होता है हमारा 12 ग्राम, तो आधा कर्ष कितना आएगा, 6 ग्राम आएगा। ओके, सो आपको शोंठ मिलाना हो या पिपली मिलाना हो तो आप 6 ग्राम मिला सकते हैं यूष में। उसके बाद देखिए फांट दिया गया है। फांट में अगर मधु मिलाना हो तो एक कर्ष मिलाना है, शीता या गुड़, चीनी या गुड़ आपको मिलाना है तो भी आप एक कर्ष मात्रा में मिला सकते हैं, यानी 12 ग्राम तक आप इसमें मिला सकते हैं। देन कल्क देखिए, कल्क में अगर आपको मधु मिलाना है तो कल्क की डबल मात्रा में मिलानी है। कल्क हम लोग लेते हैं एक कर्ष में, है ना, कल्क की मात्रा कितनी होती है, एक कर्ष बताई गई है, तो एक कर्ष में 12 ग्राम अगर आपको मधु मिलाना है तो इसका डबल कर दीजिए, 24 ग्राम आप मधु मिलाइए, ठीक, और उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। घृत मिलाना हो या तेल मिलाना हो, देखिए तीनों में ही डबल बताया गया है, तो तीनों की क्वांटिटी कितनी आएगी, 24 ग्राम आएगी, 24 ग्राम आएंगी मधु, घृत और तेल की क्वांटिटी। ओके, इसके बाद देखिए सीता और गुड़, ये दो चीजें इक्वल क्वांटिटी में मिलाई जाती हैं, तो अगर आपको चीनी मिलानी है या गुड़ मिलाना है कल्क में तो आपको एक कर्ष मात्रा में ही मिलाना है, तो इसको आप लोग 12 ग्राम ही ले सकते हैं। उसके बाद देखिए क्षीर और जल बताया गया है। दूध अगर मिलाना हो या जल मिलाना हो तो 4 times ऑफ कल्क, तो 4 गुना आपको लेना है, 4 गुना मीन्स इधर इंटू 4 आपको करना पड़ेगा, अराउंड 48 ग्राम्स आएंगे। तो जो आप दूध मिलाएंगे या जल मिलाएंगे अगर कल्क में तो 48 ग्राम्स आपको मिला के देना चाहिए। इसके बाद आता है चूर्ण प्रिपरेशन। चूर्ण में देखिए अगर आपको गुड़ मिलाना हो तो इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है, चूर्ण की मात्रा भी एक कर्ष ही होती है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये मात्राएं आप लोग बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत आता है ये मात्रा पूछा जाता है। तो एक कर्ष यानी 12 ग्राम, है ना, तो 12 ग्राम अगर बताया गया है तो गुड़ कितना मिलाया जाएगा उसमें, इक्वल क्वांटिटी मतलब 12 ग्राम मिलाया जाएगा। शर्करा, घी और तेल अगर आपको मिलाना है, आयतर शर्करा आपको मिलाना हो या घी मिलाना हो या तेल मिलाना हो तो डबल क्वांटिटी में दिया जाता है, डबल लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको कितने क्वांटिटी में मिला पाएंगे, डबल मतलब 24 ग्राम। ओके, आई थिंक आप लोगों को हिसाब करना आ रहा होगा मेरे साथ, आप लोग जल्दी जल्दी इसको हिसाब कर सकते हैं। अब द्रव द्रव्य अगर आपको मिलाना हो, लिक्विड कुछ आपको मिलाना हो चूर्ण में, तो वहां पे 4 times मिलाया जाता है, तो 4 times कितना आएगा, 12 ग्राम इंटू 4 मतलब यस 48 ग्राम्स, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, कल्पना एंड देयर कैरेक्टर्स। सो कल्पना जो हम लोग बनाते हैं, जो प्रिपरेशन, कल्पना मीन्स मेडिसिन प्रिपरेशन, है ना, तो ये जो मेडिसिन प्रिपरेशन है ये सही से बन गई है करके कैसे पता चलेगा, तो उसके कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, ये हमने शायद पिछले क्लास में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, यहाँ भी टेबल वाइज आपको दिया गया है, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले है हमारा अवलेह कल्पना, अवलेह कल्पना सही से बन गया है करके कैसे पता चलेगा, तो इसके कैरेक्टर में दिया गया है देखिए सुपक्वम, सुपक्वम मीन्स अच्छे से इसका पाक हुआ है। देन तंतुमत्वम, तंतुमत्वम मीन्स जब दो फिंगर के बीच में आप इसको रख के जैसे चाशिनी चेक करते हैं ना, तो एक तार चाशिनी आती है उस तरह का एक तार आपको दिखाई देगा अगर आप फिंगर के बीच में रख के इसको उठाएंगे तो, ठीक। अपसुमज्जनम क्या है, अगर पानी में एक बूंद आप डालेंगे अवलेह की तो ये डूब जाएगा, पानी के ग्लास में आप डालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। देन इसके बाद दिया है स्थिरत्वम, स्थिरत्वम मीन्स ये कहीं फैलेगा नहीं, जहां पे आप डालेंगे वहीं पे ये बना रहेगा, ये फैलता नहीं है, ठीक है। पीड़िते मुद्रा, पीड़िते मुद्रा मीन्स अगर आप अंगुली के बीच में इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स उस पे पड़ेंगे, तो इसको पीड़िते मुद्रा बोला जाता है, जो अवलेह होता है उसको अगर आप टच करेंगे तो उस पे आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे।
देन गंध वर्ण रसोद्भव, गंध वर्ण रसोद्भव जो मेडिसिन से, जिस मेडिसिन से आप बना रहे हो अवलेहन, उसकी महक आनी चाहिए, ये नीचे से लगना नहीं चाहिए, इसको चलाते रहना है जब आप बनाते हो, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे से जल जाएगा और पूरा मेडिसिन जो है वो जला जला सा महक उसमें से आने लगेगा, ठीक है, तो ये खराब हो जाएगा मेडिसिन, इसलिए उसमें से प्रॉपर उसी ड्रग का गंध आना चाहिए, महक आनी चाहिए जिस चीज से आप उसको बना रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि अवलेह आपका सही से बन गया है। नेक्स्ट है आपका तेल कल्पना, तेल कल्पना सही से बना है करके कैसे पता चलेगा, फेनोदगम, उसमें फेन बनने लगेगा, झाग बनने लगेगा, ठीक है, जब झाग बनने लगे तब तेल कल्पना सही से बनाए करके जानिए। वर्तीवत स्नेह कल्कस्यात, तो जो कल्क हमने उसमें डाला है पकाने के लिए, जो द्रव्य का कल्क बना के उसमें डाला गया है, वो कल्क जब आप निकाल के अंगुली के बीच में मसलोगे तो वर्ती जैसा वो बन जाएगा, ठीक है, तो ये वर्ती स्नेह कल्कस्यात बताया गया है। और इसके बाद है शब्दहीनो अग्नि निक्षिपत, अगर आग में आप ये तेल डालोगे तो उसमें से चटकने की आवाज नहीं आएगी, अग्निहीनो बताया, शब्दहीनो बताया गया है, ठीक है, अग्नि में डालेंगे तो ये शब्द वहां पे नहीं आएगा। गंध वर्ण रसोत्पत्ति, जो द्रव्य आपने उसमें डाला हो उसका गंध उसमें से आ रहा हो, उसी का वर्ण और उसी का टेस्ट उसमें से आ रहा हो, तो तेल कल्पना आपकी सही से बनी है। मृदुपाक मध्यम पाक और शखर पाक भी हमने पढ़ा था, सो मृदुपाक का क्या है, इशत रस इन कल्क, थोड़ा सा रस उसमें थोड़ी सी वाटर अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको मृदुपाक बोलेंगे। कल्क नीरस कोमल, जो कल्क है उसमें बिल्कुल पानी ना हो और आप उसको फिंगर के बीच में बनाओ तो वो वर्ती जैसी बन जानी चाहिए, तो मध्यम पाक हुआ है। और कल्क अगर कठिन हो जाए, कठिन कल्क, तो वहां पे खर पाक हुआ है करके हमें जानना चाहिए। इसके बाद देखिए घृत कल्पना, घृत कल्पना में क्या है, फेन शांति, तो जो फेन उसमें पहले से होता है वो शांत हो जाता है, एकदम बिल्कुल फेन नहीं रहता है, तो घृत कल्पना सही से बन गई है करके हमें जानना चाहिए। इसमें भी मृदुपाक मध्यम पाक और खरपाक बताया गया है, जो कि तेल के साथ सेम है, उसका जो कल्क है उसको निकाल के आपको देखना है, अगर उसमें पानी का अंश रह गया हो तो मृदुपाक समझना चाहिए, अगर वर्ती बन जा रही है बिल्कुल पानी नहीं है उसमें तो मध्यम पाक, और अगर हार्ड हो गया है ज्यादा जल गया है तो वो खरपाक में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखिए आसावरिष्ट, आसावरिष्ट फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, ये हमने पढ़ा था, इसको बड़े बड़े ड्रम के अंदर पैक करके सील करके रख दिया जाता है एक महीने के लिए और अंदर से वो फर्मेंटेशन होने लगता है, किण्वीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बनने लगता है तब आसावरिष्ट बनता है। तो वहां पे देखिए जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ हिसिंग साउंड, एक हिसिंग साउंड आती है, हिसिंग जैसे सांप जैसे हिस ऐसा करता है ना, इस तरह का साउंड उसमें आता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो गैस बबल्स बन रहे हैं ना उसी का सारा साउंड सुनाई देता है बाहर, जब आप बाहर ड्रम में कान लगाओगे तो उसमें से हल्का हल्का बुलबुला वाला सारा साउंड सुनाई देगा, गैस बबल्स के साउंड आएंगे। देन प्रेसिपिटेट इन लाइम वाटर, अगर नींबू के पानी में आप इसको डालोगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट मतलब वो ग्लास में नीचे बैठ जाएगा वो आसव या अरिष्ट जो भी आप बना रहे हैं, मतलब ये फर्मेंटेशन जब स्टार्ट होता है तब ये सारे आपको लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। एस्टिंग्विशिंग ऑफ कैंडल फ्लेम, तो कैंडल जला के अगर आप उसके ऊपर दिखाएंगे तो वो बुझ जाएगी, एल्कोहलिक टेस्ट उसमें से आएगा, एल्कोहलिक स्मेल उसमें से आने लगेगी, और सेटल डाउन ऑफ प्रक्षेप द्रव्य, जो प्रक्षेप द्रव्य आप उसपे उसमें मिलाएंगे वो भी नीचे चला जाएगा। तो फर्मेंटेशन के दौरान ये होता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से बन जाता है, कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन हो जाता है, तब क्या होता है ये साउंड आना बंद हो जाता है, ठीक है, और ये लाइम वाटर में जब आप इसको डालते हो तो ये भी नीचे नहीं बैठता है, नो प्रेसिपिटेट, नो एविडेंस ऑफ एस्टिंग्विशिंग ऑफ कैंडल फ्लेम, और वहां पे कैंडल फ्लेम जब आप उसके ऊपर दिखाते हो तो वो भी नहीं बुझती है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारा फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसमें से और गैस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है और हमारा आसावरिष्ट बिल्कुल पीने के लिए तैयार हो गया है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। तो जो मेडिसिन हम लोग कलेक्ट करते हैं, रॉ ड्रग्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, किसी के पत्ते कलेक्ट करते हैं, किसी की टहनियां होती हैं, किसी की रूट्स होती हैं, किसी के बार्क होती है, स्टेम बार्क होती है ना, तो ये किस ऋतु में आपको कलेक्ट करना चाहिए वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऋतु वाइज आपको जो ड्रग्स के यूजफुल पार्ट्स जैसे कलेक्ट करने हो तो ऋतु वाइज आपको कलेक्ट करके उसको रख लेना चाहिए। बाकी एक साल तक आप रॉ ड्रग्स रख सकते हो, तो एक साल के अंदर आप उसको फिर लेके मेडिसिन बना सकते हैं। चरक जी ने क्या कहा है, देखिए आचार्य चरक ने कहा है, शाखा अगर आपको कलेक्ट करनी हो तो वर्षा और वसंत ऋतु में इसको कलेक्ट कीजिए। पत्र अगर लेना हो तो भी वर्षा और वसंत ऋतु में लीजिए। मूल मूल यानी रूट अगर आपको लेनी हो किसी की तो उसको ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में लीजिए। त्वक अगर आपको लेना हो, बार्क स्टेम का त्वक जो होता है बाहर का छिलका, अगर वो लेना हो तो शरद ऋतु में लेना चाहिए। कंद लेना हो या क्षीर लेना हो तो भी शरद ऋतु में ही लेना चाहिए। सार अगर आपको लेना है तो हेमंत ऋतु में लेना चाहिए। पुष्प लेना है या फल लेना हो तो यथा ऋतु अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि पुष्प और फल जो होते हैं वो ऋतु अनुसार सीजनल ही होते हैं। एक पर्टिकुलर सीजन में फूल निकलते हैं और फल होते हैं, तो जिस सीजन में उसका फूल या फल निकल रहा हो उस पेड़ का, उसी सीजन में आप उसको कलेक्ट कर लो। उसके बाद देखिए राज निघंटु में क्या बताया गया है, ये थोड़ा सा इन्होंने अलग बताया है। कंद अगर आपको लेना है तो हेमंत ऋतु में लीजिए, मूल लेना हो तो शिशिर ऋतु में बताया है इन्होंने, पुष्प लेना हो तो वसंत ऋतु में लीजिए, पत्र लेना हो तो ग्रीष्म ऋतु में, और पंचांग सारा पूरा का पूरा प्लांट आपको लेना है, पंचांग लेना है तो शरद ऋतु में आपको लेना चाहिए। उसके बाद देखिए सुश्रुत अनुसार जांगम द्रव्य का कलेक्शन। जांगम द्रव्य क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स। तो एनिमल प्रोडक्ट्स से भी कुछ मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो जब आपको एनिमल प्रोडक्ट कोई कलेक्ट करना हो तो उन्होंने ये बताया है कि रक्त, किसी का ब्लड अगर आपको लेना हो, लोम लेना हो या नाखून लेना हो तो यंग एनिमल से आपको लेना चाहिए। मतलब जो एनिमल छोटा हो, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा ना हो, उससे आपको कलेक्ट करना चाहिए ये चीज। और क्षीर दूध आपको लेना हो, मूत्र लेना हो या पुरुष लेना हो तो उसके खाना जो उसने खाया है खाना, उसके पाचन होने के बाद आप ये तीनों चीजें कलेक्ट करिए। तो ये ड्रग कलेक्शन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्या बताया गया है, अनुक्त पदार्थ और उसके ग्राह्य पदार्थ। अनुक्त पदार्थ मतलब कुछ कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो डिस्क्राइब की गई है बुक में, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है। जैसे कुछ मेडिसिन में लिखा है तेल लेना है, बट कौन सा तेल लेना है ये नहीं लिखा है उसमें। तो ये इसको हम लोग अनुक्त पदार्थ बोलते हैं, जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया हो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज वहां पे आप ग्रहण करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला बताया गया है कि जहां पे अनुक्त बोला गया हो वहां पे आप क्या ले सकते हो। तो आइए देखते हैं काल अनुक्त। अगर काल बताया नहीं गया है, टाइमिंग नहीं बताई गई है, तो वहां पे आपको प्रभात ग्रहण करना चाहिए, यानी मॉर्निंग टाइम ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई मेडिसिन बनाने का टाइम एग्जैक्टली नहीं बताया गया हो तो आपको वो मेडिसिन मॉर्निंग में ही बनानी चाहिए। यूजफुल पार्ट अगर नहीं बताया गया हो कहीं पे, कौन सा पार्ट आपको लेना है, जैसे कुछ प्लांट्स के पत्ते लिए जाते हैं, बार्क लिए जाते हैं, फल लिया जाता है, लेकिन अगर कहीं पे नहीं मिला आपको, कहीं पे उसमें नहीं लिखा है कि इस प्लांट का आपको कौन सा पार्ट लेना है, तो आप उसका रूट ले लीजिए। जटा बताई गई है तो आप उसका रूट लेके आप मेडिसिन बना सकते हैं। अगर क्वांटिटी नहीं बताई गई है, जैसे दो चीजों को मिलाने के लिए बोला गया है और क्वांटिटी वहां पे नहीं बताई गई कि कितनी मात्रा में, कितने भाग में आपको मिलाना है, तो आप इक्वल क्वांटिटी में मिलाइए। सो इक्वल क्वांटिटी आपका वहां पे आंसर होगा। वेसल पात्र अगर नहीं बताया गया किस किस पात्र में आपको ये बनाना है, तो मृत पात्र आप लीजिए। मिट्टी का पात्र सबसे बेस्ट होता है, उसमें आप सब कुछ बना सकते हैं। लिक्विड अगर नहीं बताया गया हो, जैसे द्रव इसमें ऐसा लिखा होगा कि द्रव मिलाना है, कौन सा द्रव मिलाना है, लिक्विड तो बहुत तरह की होती है ना, तो वहां पे हम लोग जल लेंगे, पानी लेके मिलाएंगे उसमें। उसके बाद अगर तेल बताया गया हो तो तिल तेल आपको लेना चाहिए, सीसम ऑयल जो होता है, सीसम ऑयल तिल तेल आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर घृत बताया हो तो आपको गो का घृत, गाय का घी आपको वहां पे इस्तेमाल करना है,
क्षीर अगर बताया हो, दूध लेने के लिए बोला गया हो, तो गोक्षीर यानी गाय का ही दूध आपको लेना है। उसके बाद अगर लवण बताया गया है, सॉल्ट, तो आपको सैंधव लवण ग्रहण करना चाहिए। आई थिंक सैंधव लवण सभी ने देखा होगा, यहाँ पे एक फोटो दी गई है, देखिए ऐसे हल्का पिंक कलर का ये दिखता है और ये बहुत बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये जो नॉर्मल नमक हम लोग खाते हैं, बहुत सारी कंपनी की नमक आती है सफेद वाली, तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है सैंधव नमक, क्योंकि सैंधव नमक में बहुत सारे मिनरल्स हैं। हम सिर्फ आयोडीन की वजह से ये सफेद नमक लेते हैं जिसमें आयोडीन मिला हुआ हो, लेकिन सैंधव नमक में आयोडीन के साथ और भी बहुत सारी मिनरल्स होती हैं। अगर आप लोग सैंधव नमक रेगुलरली लेते हैं तो आपको कोई भी मिनरल डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की है ना, मात्रा हमने डिस्कस की और हम लोगों ने काल भी डिस्कस किया, औषध सेवन काल किस टाइम पे लेना चाहिए मेडिसिन, है ना, और कौन कौन से पार्ट्स आपको किस ऋतु में कलेक्शन करना चाहिए। अगर कहीं पे आपको स्पेसिफिक चीजें नहीं बताई गई हैं तो उस स्थान पे आप क्या क्या ले सकते हैं। जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो कौन सा घी आपको लेना है, अनुक्त घृते आपको क्या लेना है, अनुक्त क्षीर अगर बताया गया हो क्या लेना है, मतलब नहीं बताया गया किसका दूध लेना है तो आप गाय का दूध लीजिए। लवण अगर अनुक्त हो तो वहाँ पे सैंधव नमक आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आता है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें पढ़ेंगे। मान परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, मान परिभाषा जो मैं आपको बता रही थी, मात्रा वगैरह कैसे आपको हिसाब करना है तो वो मैं आपको बताऊंगी। आज हमने थोड़ा थोड़ा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया, ग्राम वगैरह में मैंने आपको बता दिया, और भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। तो मान परिभाषा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग नोट्स बना लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग आयुर्वेद का एग्जाम हो या आयुर्वेद फार्मा का एग्जाम हो या फिर BMS का कोई एग्जाम हो, MO का एग्जाम हो, आप एग्जिट एंट्रेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हर चीज में आपको ये नोट्स बहुत ही काम में आएंगे। और हम लोग MCQs भी डिस्कस करेंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आती हैं, उसका कैसे आंसर आपको निकालना होता है, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और हमें जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।